बैक टू माई चैनल। और आज बहुत दिनों बाद एक नया वीडियो आ रहा है। बिकॉज ऑफ रीजन एक्चुअली मेरा फोन खो गया था, कल ने कहीं रख दिया और वो बोले कहीं, इन द सेंस कि हम लोग घर से वापस आ रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था बीच में कि मैं घर जा रही हूँ। आई गेस मैंने बताया नहीं बताया, बट हाँ हम लोग घर गए थे एंड वी शॉट सो मेनी ऑफ वीडियोज। एक्चुअली मैं अपनी सिस्टर की शादी में गई थी तो हमने वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज शूट करी थी, जाने का, ट्रैवल का, वहाँ पे फंक्शंस का। बट आते वक्त करण ने फ़ोन कहीं ड्रॉप कर दिया, सो वो कोई भी मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, बट इट्स ओके। तो अभी ये मैं अभी जो है ये वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है। और ये वीडियो है बेसिकली एक अगर आप रेंट में रहते हो एंड यू हैव लाइक बिग विंडोज़, ओपन विंडोज़, जो कि जिसमें से यू नो लाइक मेरे घर पे विंडोज़ हैं जो कि ओपन है, उसमें नेट नहीं है कोई, और उसमें मैं कोई सिविल चेंजेस नहीं करा सकती। मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि कैसे विंडोज़ है, तो मैं उसमें ऐसा कुछ सिविल चेंजेस नहीं करा सकती हूँ। तो मैं रेंट में रहने के साथ साथ मैं कैसे वहाँ पर नेट का फिट कर सकती हूँ वो मैं आप इस व्लॉग में दिखाऊंगी। एंड राइट नाउ आई एम गेटिंग रेडी फॉर लाइक जिम। अभी बज रहा है शाम के 5। आई नो थोड़ा ऑकवर्ड सा टाइम है। एक्चुअली हम जाते हैं रोज़ जिम को 7-8 बजे रात में, जो कि एक्चुअली हमें बहुत ऑकवर्ड लग रहा है टाइम, बिकॉज मॉर्निंग में उठना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, बिकॉज हम रात को यू नो लाइक काम करते हैं, उसके बाद जिम जाते हैं, फिर उसके बाद लेट हो जाता है खाने पीने और सोने के चक्कर में, सुबह नहीं जा पाते। तो इसलिए आज हमने डिसाइड किया कि आज थोड़ा जल्दी निकलते हैं, आज शाम 5 बजे चले जाते हैं, ताकि हम रात में टाइम से सो जाएं और कल से हम अर्ली मॉर्निंग से जिम स्टार्ट करें। तो यस, आपको छोटा सा व्लॉग में जिम का भी दिखाती हूँ। और जो प्रोडक्ट मैंने अभी अमेज़ॉन से ऑर्डर किया वो थोड़ी देर में पहुँच जाएगा, तो मुझे लगा वीडियो तो स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो आज शाम तक पहुँच जाएगा। एंड आई विल शो यू द विंडो। तो पहला विंडो ये है जिसमें नेट लगनी है, बिकॉज इसमें हम कोई सिविल चेंजेस नहीं करा सकते या कुछ एक्स्ट्रा दौड़ नहीं लगा सकते। तो एक विंडो, एक जो नेट है वो इस पर लगेगा। दिस इज़ लाइक अनदर विंडो जो कि किचन किचन के स्लैब के ऊपर है, तो एक नेट यहाँ पे लगना है। देयर इज़ अनदर विंडो, बट इसमें ये वाईफाई का तार निकल के आ रहा है, बिकॉज ये एल्यूमिनियम का है, तो इसमें वायर निकालने के लिए हम लोग होल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर करवाना है तो हमें किसी एल्यूमिनियम वाले को बुलाना पड़ेगा, और जो कि हमारे जो मकान मालिक है वो नहीं चाहते कि हम इसमें होल करें, तो इसलिए ये विंडो ज़्यादा खुलती नहीं है। तो इस मैं तो मैं नहीं करवाऊँगी। तो ये अभी भी नींद में बहुत मुश्किल से उठाए थे जिम जाने के, और फाइनली वी आर गोइंग टू जिम। तो फाइनली पहुंच गया अमेज़न का जो मैंने ऑर्डर किया था नेट, वैसे कल रात आ गया था मगर वो मैंने गलत मंगा दिया था। वो हम मेरे जो घर की खिड़की का साइज है वो 3x3 है, और मैंने गलती से 2x3 मंगवा दिया था। मतलब मैंने ऑर्डर तो सही किया था मगर मैंने ना क्वांटिटी गलती से 2 की जगह 1 कर दी थी, तो उसे करेक्ट करने के चक्कर में वो 3 से 2 हो गया। तो फाइनली ये दूसरा हमारा आ गया, तो अब हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। तो इसमें है हमारे दो नेट जो कि इस बारी है 3x6 के ही, और ये वैसे है 999 का, पर हमें कितने का पड़ा, 249 का मुझे एक पड़ा वैसे अभी, मतलब डिस्काउंट में कुछ चल रहा था। तो इसके अंदर देखे थे क्या क्या है, तो इसके अंदर एक ये है जो वेलक्रो बोलते हैं, शायद वेलक्रो होता है, जिसके साथ इस साइड चिपकाना होता है, इस साइड इसके पीछे स्टिक टेप है, और ये है नेट काफी अच्छा है, अब देखो तो बढ़िया, और वॉशेबल भी है, गंदा होगा तो हम निकाल सकते हैं, और इसमें ऑलरेडी वेलक्रो लगा हुआ है। अगर आपके इस विंडो के हिसाब से सही है तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, और अगर बड़ा या छोटा, मतलब बड़ा छोटा तो नहीं, मतलब बड़ा है तो आप इसे कट करके लगा सकते हैं। तो करण ने जिम्मेदारी लिए से लगाने के लिए, तो ये फिलहाल अभी इसे साफ कर रहे हैं। पहले क्या ये वेलक्रो है और इसके पीछे गम दिया हुआ है, चिपकाने के लिए ग्लू लगा हुआ है, तो इसमें इसको निकालना है और इसको डायरेक्टली आपके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कॉर्नर पे लगा रहे हो एकदम? ओके, देखा
तो फाइनली वेलक्रो तो लग गया विंडो पे, अब इसके ऊपर नेट लगनी है। नेट तो लग चुकी है और बहुत सही लग रही है, और ऐसे में लंबे में तो बिल्कुल फिट है, जहां हमने लगाई बिल्कुल फिट है, मगर थोड़ा विड्थ में ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो हमें इसे कटवानी पड़ेगी हल्की सी, बट ये बहुत सही लग रही है। वाइट कलर पे हमने इसलिए मंगाया था क्योंकि विंडो सारी वाइट है, बस अगर हमें जब ये डोर खोलना है फिलहाल तो अभी, या तो आप यहाँ से भी खोल सकते हो, आपको ऐसा कुछ नहीं है, बाकी अगर आप खोलना है तो हल्का सा आप यहाँ से इसे वेलक्रो से खोलो और निकल जाएगी, मतलब आसानी से आप इसे खोल सके, आप ओपन कर सकते हो विंडो, बस अब हम इसका देखते हैं। बाकी अगर ये गंदी हो जाती है तो वॉशेबल भी है, तो हम इसे वॉश कर सकते हैं। सो इसको वापस ठीक करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसा है। इसको हमने कट करा के लगा दिया और ये बहुत सुंदर लग रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि वॉशेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी हमें वॉश करना होगा हम इसे आराम से निकाल के रिमूव करके वॉश कर सकते हैं जब भी ये गंदा होता है। खिड़की वैसे जनरली हम लोगों की खुली रहती है वेंटिलेशन ताकि प्रॉपर रहे, और अगर हमें खिड़की बंद करनी है तो वही है जिप आपका ये वाला है, आप इसको जिप से निकालो और आराम से खिड़की बंद कर दो। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो और होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Thank you so much.